दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कैलकुलेशन की सीरीज में हमने पिछले वीडियो में देखा था 25 और 25 के गुणजों से किसी भी संख्या को गुणा कैसे करते हैं, मतलब 25, 175 और 225 की बात हमने की थी। आज हम बात करेंगे इन्हीं संख्याओं से किसी संख्या को अगर भाग देना है तो हम क्या करेंगे। पिछले वीडियो में एक चीज छूट गई थी और वो चीज थी कि प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन नहीं दिए गए थे, वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। आपने जो सीखा है इन क्वेश्चंस को उसी तरीके से लगाइए और फिर लगाने के बाद आप उसको अपने कैलकुलेटर में चेक कीजिए कि आपके उत्तर किस हद तक सही आ रहे हैं। सही आ रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप सारी चीजें सीख चुके हैं, नहीं आ रहे हैं इसका मतलब यह है कि आपको भी सीखने की आवश्यकता है। आइए बात करते हैं आज के वीडियो की, और आज के वीडियो में चूंकि हमें सीखना क्या है, आज के वीडियो में हमें सीखना है गुणा करना। एक एग्जांपल से मैं इस बात को समझता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे 28 में 25 का भाग देना है, मैं क्या करूंगा? यह बात तो मुझे पता। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 176 आ गया, इसमें अगर बटे 100 लगा हुआ है तो आप आंख मूंद के बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू है 1.76। दो जीरो है, दो जीरो है तो दो अंकों के बाद दशमलव। ठीक ऐसे ही अगर इस सवाल में मैं यहां पे 4 दे दूं तो मुझे यहां भी 4 देना पड़ेगा, यहां भी 4 देना पड़ेगा, मतलब 4 × 8 = 32, ये बनेगा 112 और ये बन जाएगा 100, मतलब 1.12 इस सवाल का जवाब हो जाएगा। मैंने वास्तव में किया क्या, ये तो हमें पता ही है कि 25 को 4 देने से क्या मिलता है, 00। तो हमें यहाँ 4 लिख करके ये 00 रख के ऐसा करने की आवश्यकता थी क्या? सीधे अगर हम 28 में 4 का गुणा कर देते तो हमें क्या मिल जाता, डायरेक्ट 112 मिलता। और चूंकि अंडर स्टूड है कि अगर 25 से गुणा हो रहा है मतलब मामला क्या होगा, 25 से भाग हो रहा है मतलब नीचे दो जीरो मिलेंगे, वही दो जीरो के बाद, दो जीरो के लिए आप दो अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए। बात करते हैं कुछ और सवालों की। जैसे मान लीजिए मुझे दे दिया गया 57 में 25 का भाग देना, अब मुझे करना क्या, केवल यहां पे 4 का गुणा, 4 का गुणा, 4 का गुणा करना है तो 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20 और 2 × 22, दो अंकों के बाद दशमलव, ये इसका उत्तर हो जाएगा। या मान लीजिए अगर मुझे दे दिया जाए 517 में 25 का भाग देना है तो मुझे करना क्या है, 4 × 17 = 68, 4 × 5 = 20, दो अंकों के बाद दशमलव, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20.68। मैं कर क्या रहा हूं, केवल 4 का गुणा, भाग करने की तो जरूरत ही नहीं। पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर में। 25 का भाग करना है तो हम 4 का कैलकुलेशन की सीरीज में जोड़ और घटाने के बाद अगर मुझे दे दिया जाए 3212, इसमें मुझे 25 का भाग देना, मैं करूंगा क्या, 4 का गुणा कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 12 × 48, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, दो अंकों के बाद दशमलव। आंसर कितना है, 128.48। दोस्तों स्वागत है आपका सीधा जवाब, आपको भाग देने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे मान लीजिए अगर दे दिया जाए 7967, इसमें मुझे 25 का भाग देना, मैं करूंगा क्या, 4 का गुणा, 4 का गुणा करूंगा, 4 × 7 = 28, 4 × 6 = 24 और 2 = 26, 4 × 9 = 36, 36 × 2 = 38, 4 × 7 = 28 और 3 = 31, दो अंकों के बाद दशमलव। आंसर कितना हो गया, 318.68, भाग देकर के आप चेक कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 14235, इसमें मुझे किसका भाग देना है, 25 का, मैं करूंगा क्या, 4 का गुणा कर दूंगा, 4 का गुणा मतलब 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12 और 2 = 14, 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 9, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 5, दो अंकों के बाद दशमलव। आंसर कितना हो जाएगा, 569.4, मतलब जहां आपको 25 से भाग देने की बात की जा रही है वहां आपको 4 से गुणा करना है। आइए एक आध सवाल और देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। जैसे मान लीजिए 9168, इसमें मुझे 25 से भाग देना, मैं करूंगा क्या, 4 का गुणा, 4 × 8 = 32, 4 × 6 = 24 = 27, 4 × 4 = 2 = 6, 4 × 9 = 36, दो अंकों के बाद दशमलव। उत्तर कितना, 366.72। अब 25 वाला मामला तो आपके काफी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर यही मामला 75 का हो, यही मामला 175 का हो और यही मामला 225 का, जैसे देखिए अगर मैं इसी सवाल में जैसे बोल दूं कि आपको 42 में
75 का भाग देना। अब मुझे ये पता है कि ये मामला कितने का है, 3 का है। ये मामला कितने का है, 3 का है। तो सबसे पहले चूंकि 25 में 3 है तो सबसे पहले मैं इसमें भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 14। 14 में मैं 4 का गुणा कर दूंगा तो 14 चौके 56, दो अंकों के बाद दशमलव, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, 0.56। या मान लीजिए 417, इसमें मुझे 75 का भाग देना है। फिर वही बात, 75 है मतलब 3 है, 3 से भाग दीजिए जरा, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 नमा 27। अब इसमें गुणा किसका करना है, 4 का, तो 4 नहीं आ 36, 4 तीन 12, 3 15, 4 एकम 4 और 1 5, दो अंकों के बाद दशमलव, 5.56 इसका उत्तर हो जाएगा। या मान लीजिए अगर मुझे 3963, इसमें मुझे 75 का भाग देना है, 75 का मतलब कितना हुआ, 3, तो 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, अब कितने का गुणा, 4 का, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4 और 1 5, दो अंकों के बाद दशमलव, मतलब 39.63/75 का मान कितना हो जाएगा, 52.84। या एक सवाल और ले लेता हूं मैं, 4923/75, फिर वही मामला, 3 का भाग, तो 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 चौके 12, 3 एकम 3, कितने का गुणा, 4 का, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 छके 24 और 1 25, 4 एकम 4 और 2 6, दो अंकों के बाद दशमलव, उत्तर कितना, 65.64। ये तो बात हो रही थी किसकी, 75 की। 175 हो तो, 175 हो मतलब 25 7 175, मतलब मामला कितने का हो जाएगा, 7 का। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे 42 में 175 का भाग देना, 175 मामला कितने का है, 7 का, तो 7 छंग 42, 6 में 4 का गुणा मतलब कितना, 24, उत्तर कितना, 0.24। या इसको आप लोग उतारते चले जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब जैसे मान लीजिए 217 में मुझे 175 का भाग देना, 175 का मतलब कितना हुआ, 7, तो 7 3 21, 7 1 7, 4 का गुणा, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, दो अंकों के बाद दशमलव, उत्तर कितना, 1.24। या मान लीजिए 42 63, इसमें मुझे 175 का भाग देना, मतलब फिर मामला वही है, 7 का, 7 छक 42, 0, 7 नैया 63, गुणे कितना, 4 का, 4 नैया 36, 4 छक 24, दो अंकों के बाद दशमलव, उत्तर कितना, 24.36। या मान लीजिए 78 47/175, फिर वही मामला, 7 का, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 2 14, 7 एकम 7, गुणा किसका, 4 का, 21 चौक 84, 11 चौक 44, दो अंकों के बाद दशमलव, आंसर कितना, 44.84। अगर इसी तरीके से मामला किसका हो, 225 का, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए 36 में 225 का भाग देना, 225 का मतलब कितना होता है, 9, ये आपको याद रखना है। अब 9 का भाग देंगे तो 9 चौके 36, 4 में 4 का गुणा मतलब कितना, 16, दो अंकों के बाद दशमलव, मतलब उत्तर कितना, 0.16। या मान लीजिए 639 में अगर मुझे 225 से भाग देना है, मतलब भाग किससे देना है, 9 से, 9 7 63, 9 1 9 गुणे 4, 4 1 4, 4 7 28, दो अंकों के बाद दशमलव, उत्तर कितना आ जाएगा, 2.84। अगर मान लीजिए 3969/225, इसमें करना है, फिर वही 9 का भाग, तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 एकम 9, 4 का गुणा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, दो अंकों के बाद दशमलव, उत्तर कितना, 17.64। आज के वीडियो में आपने देखा कि 25 और उसके गुणजों का जो भाग है वो कितनी आसानी के साथ विधि से कंडक्ट किया जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लें तो शायद आपको कलम चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 9 का भाग सीधे
चार का गुणा, अगर 225 का मामला है, 175 का मामला है, 7 का भाग 4 का गुणा, 75 का मामला है 3 का भाग 4 का गुणा, 25 का मामला है सीधे 4 का गुणा, और लास्ट में केवल 2 अंकों के बाद दशमलव। मतलब कैलकुलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप तुरंत नहीं कर सकते। सीखिए, अपने दोस्तों को चमत्कृत कीजिए, और अपने स्कोर को जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें बाकी लोगों से बेहतर कीजिए। आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं, जो ये रहे इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, फिर उसको कैलकुलेटर से लगा करके चेक कीजिए, और देखिए कि आपका उत्तर, आपका जो एरर परसेंटेज है वो कितना है, कितने आंसर्स आप सही लगा रहे हो, जो नहीं आपने सही किया है वो क्यों गलत हुआ, उसका कारण खोजिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। आप आगे और क्या सीखना चाहते हैं ये भी कमेंट्स में बताएं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है, जानकारी पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी हम आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारी चीजें ऐसी लेकर के आने वाले हैं जो अभी तक आपको पढ़ने के लिए नहीं मिली है, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।